नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने एक ट्रक में बने मेडिकल ऑक्सीजन चेंबर में हरियाणा से तस्करी कर बिहार ले जा रही लाखों रुपए की अवैध शराब को मुखबिर द्वारा चेकिंग के दौरान बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से दो शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल नगर कोतवाली पुलिस को गुरुवार शाम मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ शराब तस्कर हरियाणा से अवैध शराब तस्करी कर बिहार ले जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने शामली रोड स्थित काली नदी के पुल पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इसी दौरान एक ट्रक को जब पुलिस ने रुकवा कर चेक किया तो ट्रक में मेडिकल ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर से ही शराब का जखीरा बरामद हुआ। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से जो है 90 पेटी अंग्रेजी शराब जो ये तस्करी कर रहे थे इसको बरामद किया है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है ये बहुत ही शातिर किस्म का है और नए नए तरीके जो हैं वो ईजाद करते रहते हैं। वर्तमान में ये अपनी पिकअप में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने की एक मशीन बनाकर उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर छोटा सा फिट करके और अन्य जो पूरा उसका कैबिनेट है उसमें ये छुपा कर शराब की तस्करी कर रहे थे। और अगर इनको बीच में कहीं रोका जाता है तो इन्होंने इसके लिए जो है वो फर्जी ईवे बिल भी तैयार कर रखे थे, जिनको इन्होंने सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल ले जाना दिखाया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ के बाद इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनसे जो बरामदगी की गई है इसके आधार पर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, कितने इनसे बरामद की गई है? इनसे 90 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है जो ये हरियाणा से लेकर चले थे और इनको बिहार में सप्लाई करनी थी, लेकिन इसके बीच में जो है और भी इस कड़ी में कई लोग शामिल रहे हैं। दौरान विवेचना पुलिस उन सभी मुलजिमों के नाम प्रकाश में लाएगी और सभी मुलजिमों की गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में आती है और मेडिकल फैसिलिटीज जो चीज ट्रांसपोर्ट की जाती है उस पर पुलिस द्वारा शक कम किया जाता है। इनकी गाड़ी को जो है वो कहीं चेकिंग में रुकवाया नहीं जाता और अगर कहीं रुकवा भी लिया जाता है तो इनको जो है वो लाभ मिल जाता है इमरजेंसी सर्विसेज ट्रांसपोर्ट करने के नाम का। इस वजह से जो है इन्होंने पूरा एक शातिर तरीके से एक कैबिनेट तैयार किया जिसमें प्रॉपर इन्होंने वाल्व और सिलेंडर वगैरह फिट किए ताकि जो है वो पुलिस की ये पकड़ से दूर रह सकें।